136 से। एंड तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास आज शुरू करते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम एज आई हैव टोल्ड यू, एसएससी, बैंक एंड क्लैट, डीयू, जैट एंड आफ्टर 12 जितने भी हमारे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए, सभी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच इंडियन सिटी इंडिया पोस्ट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल पार्सल लोकर सर्विस। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है चेन्नई, सेकंड इज़ न्यू दिल्ली, थर्ड इज़ कोलकाता एंड डी ऑप्शन इज़ रांची। तो पहले तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है यस, यस कोलकाता इज़ द राइट आंसर। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया पोस्ट, जो हमारी इंडिया पोस्ट है, दैट इज़ इसके अंडर हमारा एक नया बैंक अभी ओपन हुआ था, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, दैट वाज स्टार्टेड इन 1 सितंबर 2018। दिस इज़ एन टोटली गवर्नमेंट ओन्ड बैंक एंड इसके जो सीईओ हैं, इसके जो हमारे सीईओ हैं एंड एमडी हैं, दैट इज़ एन सुरेश शेट्टी, इंडियन पोस्ट बैंक के। कई बार वो पूछ लेते हैं कि इंडियन पोस्ट बैंक का वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, 1 सितंबर 2018, एंड इसके सीईओ का नाम क्या है, सुरेश सेठी। एंड ऑल्सो इसका हमारा हेडक्वार्टर भी पूछ लेते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर जो है हमारा कहाँ पर है, हमारा न्यू दिल्ली में। इंडियन पोस्ट बैंक पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नेम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच अनाउंसेस द लिस्ट ऑफ 115 यंग ग्लोबल लीडर्स विच कंटेन्स 5 इंडियंस इन द लिस्ट। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ IMF, सेकेंड इज़ एमनेस्टी इंटरनेशनल, थर्ड वन इज़ UNCTAD, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, फोर्थ वन इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। येस, द राइट आंसर इज़ यस, डी डॉग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जैसा कि हम जानते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दैट इज़ एन हेडक्वार्टर्ड इन कोलोगनी, पहले प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार बताया और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। कोलोगनी दैट इज़ एन प्लेस इन स्विट्ज़रलैंड, दैट इज़ एन हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड UNCTAD दैट इज़ एन हेडक्वार्टर्ड इन, एज़ वी ऑल नो, जिनेवा। मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न करा रखा है कि किस तरह से इनको लर्न करना है। एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ हेडक्वार्टर इन लंडन, ओके, एंड IMF दैट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन वॉशिंगटन DC। अब जो हमारे पांच वर्ल्ड लीडर्स, जो हमारे यंग ग्लोबल लीडर्स हैं, उनमें कौन कौन से पांच इंडियन हैं। वन इज़ बाइजू रविंद्रन, जो कि सीईओ हैं बाइजू के, इनको भी इस बार लिस्ट में लिया गया है। गौरव गुप्ता जो कि किसके सीईओ हैं, जोमेटो के। समटाइम्स दे आस्क विच सीईओ इज़ एडेड इन दिस लिस्ट, तो वी शुड हैव ए नॉलेज। बाइजू रविंद्रन जो कि सीईओ हैं बाइजू के, गौरव गुप्ता जोमेटो के, स्वपन मेहरा जो कि सीईओ हैं लोरा इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एंड देन वी आर हैविंग विनती मुटरेजा जो कि विनती ऑर्गेनिक्स की एमडी एंड सीईओ हैं, एंड तारा सिंह वचानी जो कि एमडी हैं अंतरा सीनियर लिविंग की। तो ये हमारे पांच, जिसमें हमारा जो सीईओ ऑफ बाइजू एंड जोमेटो, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज दीज आर फेमस। तो दे कैन आस्क हु इज़ एन सीईओ ऑफ बाइजू एंड हु इज़ एन सीईओ ऑफ जोमेटो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वी आर हैविंग, नेम द इंडियन स्टेट विच साइंड द लोन एग्रीमेंट ऑफ $80 मिलियन विद वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन द ग्राम पंचायत। तो वर्ल्ड बैंक के जितने भी हमारे लोन होते हैं वो कई बार, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो कौन सी स्टेट है जिसने अभी लोन एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ $80 मिलियन का। फर्स्ट ऑप्शन इज हिमाचल प्रदेश, सेकेंड इज़ असम, थर्ड वन इज़ मेघालय, फोर्थ वन इज़ मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर है, यस द राइट आंसर इज़ हिमाचल प्रदेश। तो
सबसे पहले तो हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के हमारा वर्ल्ड बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था? हमारा जुलाई 1944 में एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान, हमारा जो है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके दौरान वर्ल्ड बैंक हमारा बना था। तो वर्ल्ड बैंक ने जो अपनी वर्किंग शुरू की थी वो हमारी 1945 में की थी। वी ऑल नो द वर्ल्ड बैंक इज़ हेडक्वार्टर्ड इन वॉशिंगटन DC एंड वर्ल्ड बैंक इज़ हैविंग 5 arms। वी ऑल नो IBRD इसका दूसरा नाम है एंड IDA, IFC एंड ICSID एंड ICSID के अलावा MIGA, दीज आर द सब्सिडरीज ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को हम IBRD के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है, दैट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट वी शुड हैव इन नॉलेज, दैट इज़ एन डेविड मालपास। डेविड मालपास हमने काफ़ी बार प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है अपनी। नाउ वर्ल्ड बैंक के जो CEO, CFO एंड MD है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज़ एन अंशुला कान। समटाइम्स दे आस्क नॉट अबाउट द प्रेजिडेंट बट आस्क अबाउट द CFO एंड MD, दैट इज़ एन अंशुला कान। एंड वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज़ एन पैनी गोल्डबर्ग। पैनी गोल्डबर्ग ये हमें याद रखना है, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज सलमान खान। सलमान खान हैज़ बिन अपॉइंटेड एज एन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्मार्टफोन कंपनी? किस स्मार्टफोन कंपनी के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने? इज इट नोकिया, सैमसंग, रियलमी, एप्पल? अभी हमने पहले प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि प्यूमा की जो ब्रांड एम्बेसडर है दैट इज़ एन करीना कपूर, किया था डिस्कस। एंड इसके अलावा, प्यूमा के अलावा, हमारा जो IDFC बैंक है, IDFC बैंक के जो अभी करंट ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, दे कैन आस्क अमिताभ बच्चन। ओके, एंड अभी जो हमारा सलमान खान जो आपके बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, वो किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? जैसे अभी कुरकुरे है, कुरकुरे एंड पेप्सी है जो भी है, इसकी जो है तापसी पन्नू है, तापसी पन्नू ये हमारी करंट ब्रांड एम्बेसडर है। अब सलमान खान बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा जो ग्रोइंग ब्रांड है, एज़ वी ऑल नो दैट इज़ एन यस, द आंसर इज़ रियलमी। रियल मी के हमारे जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द रिपोर्ट बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पेट्रोलियम, ओनली 3 states एंड 5 UTs इन इंडिया हैज़ कैरोसिन फ्री आफ्टर अचीविंग 8 crore गैस कनेक्शंस अंडर PM उज्ज्वला योजना। पहले तो इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना। अब जो है इसके बारे में ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये है क्या? ये जो हमारी योजना है ये हमारी 1 May 2016 को शुरू हुई थी। पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा ये कि इसका ये थी किसके लिए? इसमें 50 million LPG कनेक्शन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए 50 million LPG कनेक्शन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नाउ अभी एक रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसके अंडर 3 states और 5 UTs इन इंडिया कैरोसिन फ्री बताई गई हैं 8 crore गैस कनेक्शंस देने के बाद। तो इसके जो कमेटी के हेड हैं वो कौन है? इज़ इट विपिन, गिरीश बापट, नरेश गुजराल, वीरप्पा मोली और रमेश बिदुरी? यस, द राइट आंसर इज़ रमेश बिदुरी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कौन सी 3 states हैं हमारी? जो 3 states हैं वो हैं हमारी आंध्र प्रदेश, मैं पूरा लिख देती हूँ बिकॉज समटाइम आंध्र प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश भी समझा जा सकता है, हरियाणा एंड पंजाब। एंड पाँच जो UTs हैं हमारी, UTs में हमारी दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, जैसे कि आप जानते हैं अब तो ये एक ही UT बन चुकी है,
26 जनवरी 2020 से दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन एंड दीव हो गया, पुडुचेरी हो गया एंड अंडेमान एंड निकोबार हो गया। ये जो हमारी 5 यूटीज़ हैं ये भी कैरोसिन फ्री हैं। सो 16 मई 15 और मार्च 12 हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर 12 मंथ्स की जो इम्पॉर्टेंट डेट्स थी वो मेमोरी टेक्निक से लर्न कर रखी हैं। उसमें हमने वर्ल्ड किडनी डे भी किया था। यस द राइट आंसर इज़ मार्च 12। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस बार ये जो मनाया गया वो मार्च 12 को मनाया गया, लेकिन ये फिक्स डे पर नहीं मनाया जाता। ये कब मनाया जाता है? सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। 15 साल से मनाया जा रहा है, सिंस 2006। एंड कुछ डे हमारे ऐसे हैं जो फिक्स डे पर नहीं आते, जैसे हमारा आप जानते हो फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे हमारा फिक्स डे पर नहीं आता। फ्रेंडशिप डे हमारा फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त को आता है, डू यू नो। एंड मदर्स डे फिक्स डे पर नहीं आता हमारा। फादर्स डे फिक्स डे पर नहीं आता। एंड इसके अलावा जो है हमारा जो अस्थमा डे है वो भी फिक्स डे पर नहीं आता। अस्थमा डे हमारा सेकेंड ट्यूसडे ऑफ मे को आता है, यू नो, सेकेंड ट्यूसडे ऑफ मे को आता है ये हमारा। एंड इस तरह से हमारा हैबिटेट डे भी फिक्स डे पर नहीं आता है। एज वी ऑल नो हैबिटेट डे ये हमारा फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को आता है। ये मैंने आपको बता रखा है अपनी क्लासेस के अंदर। तो एक बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन सा डे फिक्स डे पर नहीं आता हमारा। तो वैसे ही किडनी डे भी हमारा सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को आता है। इस तरह से और भी डेज हैं, जैसे रिवर्स डे है। रिवर्स डे हमारा आपको जानते ही हो लास्ट सैटरडे ऑफ सितंबर में आता है। हम जानते हैं ये हमारा सितंबर में आता है सैटरडे। कौन सा सैटरडे? हमारा लास्ट सैटरडे। ये हम सब कर चुके हैं अपनी क्लासेस में। नाउ अब थीम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर फ्रॉम प्रिवेंशन टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर। यस नाउ द अब जानते ही हो अप्रैल नवंबर 14 को हम कौन सा डे मनाते हैं? सबको याद है चाचा नेहरू का बर्थडे होता है, वो तो हम जानते ही हैं। बट इस दिन हम डायबिटीज़ डे भी मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं? हमारा डायबिटीज़ डे। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डे है। डायबिटीज़ डे कब होता है हमारा? नवंबर 14 को होता है, ठीक है। एंड अप्रैल के अंदर हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है आपका 2 अप्रैल को, दैट इज़ एन ऑटिज्म अवेयरनेस डे। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है ये ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ओके बाकी हम काफ़ी सारे प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेम द इंडियन सिटी विच इज़ गोइंग टू होस्ट 6th इंटरनेशनल योगा डे ऑन June 21। अब आप जानते ही हो कि June 21 को हम योगा डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा समर सोल्स्टिस होता है। समर सोल्स्टिस का मतलब होता है, ये पहले भी मैं आपको क्लासेस में करवा चुकी हूँ, सोल मतलब सन। सन जब नियरेस्टाइज मतलब नियरेस्ट हो जाता है सन के, जब अर्थ हमारी नियरेस्ट हो जाती है सन के, तो उस दिन हमारा समर सोल्स्टिस होता है और वो June 21 को होता है। ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए हम योगा डे मनाते हैं इस दिन हम। तो मैंने आपको टेक्निक से लर्न भी करवा रखा है क्लास के अंदर। अब ये जो कौन सी सिटी इसको होस्ट करने वाली है, इज इट शिमला, न्यू दिल्ली, जम्मू और लेह? यस द राइट आंसर इज़ लेह, बिल्कुल। क्योंकि अभी हमारी लद्दाख जो है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारी नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, पता है हमें। ये हमारी 31 अक्टूबर 2019 को इनको नई यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। अब हमारी 8 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं क्योंकि दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली दोनों मर्ज हो गए हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कई बार वो मिनिस्टर ऑफ आयुष पूछ लेते हैं। आयुष वी स्टैंड्स फॉर ए, जो ए है हमारा दैट इज़ एन आयुर्वेदा। ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, वाई स्टैंड्स फॉर योगा, यू स्टैंड्स फॉर यूनानी, एस स्टैंड्स फॉर सिद्धि, एस स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी।
तो आयुष मिनिस्टर कौन है हमारे, श्रीपद येसो नायक, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर और काफ़ी बार पूछा भी गया है। मिनिस्टर ऑफ आयुष कौन है, श्रीपद येसो नायक अनाउंसेस दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट देन इन लेह, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेह इज़ एन कैपिटल ऑफ लद्दाख एज वी ऑल नो। राधा कृष्ण माथुर इज़ एन गवर्नर एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। शिवपाल सिंह, शिवपाल सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, इज इट ऑफ बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी और जेवलिन थ्रो? यस द राइट आंसर इज जेवलिन थ्रो। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जेवलिन थ्रो, ही इज़ द सेकेंड जेवलिन थ्रोअर आफ्टर नीरज चोपड़ा हु विल रिप्रेजेंट द कंट्री इन जापान 20 ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 2020 ओलंपिक्स हमारे जापान में होने हैं, टोक्यो में, एंड 2024 हमारे जो ओलंपिक्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं फ्रांस में, पेरिस में, एंड 2028 ओलंपिक्स होने वाले हैं हमारे यूएसए में, लॉस एंजलस के अंदर। एंड 2032 के नॉमिनेशन इंडिया ने डाल रखा है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आई होप कि वो नॉमिनेशन जल्दी ही आपकी जो है एग्जीक्यूट हो जाए। नाउ नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी आर हैविंग ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इन विच ईयर BPPI वॉज एस्टैब्लिश? इट मीन्स ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट इज़ एन सब्सिडरी लाइक ऑफ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रिगार्डिंग है। इज इट इन 2009, 6, 8 और 5? येस द राइट आंसर इज 2008। 2008 में ये हमारी BPPI एस्टैब्लिश हुआ था। एज वी ऑल नो सितंबर 2015 में हमारी जन औषधि योजना को जो नाम था वो नाम चेंज करके कर दिया गया था प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। फिर क्या हुआ, नवंबर 2016 में, मैंने पहले भी आपको बताया था अपनी क्लासेस के अंदर, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री भारतीय, इसका नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2016 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। मेनली जन औषधि योजना किसके लिए है, आपका जो सस्ती, चीपेस्ट रेट के ऊपर, सस्ते आपका जो है कीमतों के ऊपर जो दवाइयां हैं वो सभी तक पहुंचाना, जन औषधि योजना। तो इसके बारे में ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का नाम कब जन औषधि योजना हुआ, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हुआ सितंबर 2015 में, एंड आफ्टर दैट नवंबर 2016 में इसका नाम चेंज करके भारत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, कर दिया गया, परियोजना, सॉरी इसको परियोजना कर लीजिए, परियोजना कर दिया गया। तो कई बार वो इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, एब्रीवेशन आ जाती है एग्जाम में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेसबुक इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार CSR की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, टू प्रमोट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, इज इट फेसबुक रोशनी, प्रगति, किरण और प्रतिभा? एज वी ऑल नो फेसबुक सोशल नेटवर्किंग की काफ़ी फेमस साइट है, एंड मार्क जकरबर्ग इसके फाउंडर हैं एज वी ऑल नो। काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि हु इज़ एन फाउंडर ऑफ फेसबुक, मार्क जकरबर्ग जो हैं फेसबुक के फाउंडर हैं। नाउ जो ये CSR है वो क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। CSR इसका राइट आंसर है पहले तो फेसबुक प्रगति, एंड ऑल कंपनीज विद अ नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़, जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ है या जिनकी टर्नओवर 1,000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो आपका जो है, और नेट प्रॉफिट या तो नेटवर्थ हो 500 करोड़ की या 1,000 करोड़ का टर्नओवर हो या उससे ज़्यादा का हो,
या नेट प्रॉफिट हो 5 करोड़ का और मोर आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स ऑन CSR एक्टिविटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर खर्च कर सकते हैं लाइक एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर खर्च कर सकते हैं. तो ये काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि CSR की फुल फॉर्म क्या है, एज वी ऑल नो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, तो फेसबुक इंडिया ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है विमेन एंटरप्रेन्योर के ऊपर ही पैसा खर्च किया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटरन एक्टर शांतु मुखोपाध्याय पास्ड अवे. तो ये क्या कौन से एक्टर थे, इज ही वाज ऑफ मराठी हिंदी उड़िया और बंगाली? यस द राइट आंसर इज बंगाली, बिल्कुल ठीक, द राइट आंसर इज बंगाली. शांतु मुखोपाध्याय, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि हमारा जो है ये शांतु मुखोपाध्याय पास्ड अवे वाज एन बंगाली ऑथर और सॉरी एक्टर और उड़िया एक्टर और हिंदी एक्टर और मराठी एक्टर. तो आंसर है हमारा बंगाली. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टुक ओवर एज एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? इज इट संजय कुमार पांडा, बिमल जुल्का, सुरजीत सिंह देसवाल और सुनील जोशी? यस द राइट आंसर इज बिल्कुल ठीक, सुरजीत सिंह देसवाल. सुरजीत सिंह देसवाल हमारे जो है एडिशनल चार्ज दिया गया उनको डायरेक्टर ऑफ BSF. तो कई बार ये भी पूछ रहे थे कि BSF कब फाउंड आउट हुआ था, 1 दिसंबर 1965. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम दे आस्क. और हमारी जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं. वी आर हैविंग दी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज. सबसे पहली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. दूसरी हमारी CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. तीसरी हमारी सहस्त्र सीमा बल. चौथी हमारी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस. नेक्स्ट इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमने अभी डिस्कस भी किया है. इस ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे काम करती हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज. इसके अलावा हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेज भी होती हैं. पैरा मिलिट्री फोर्सेज हमारी जो हैं वो हैं हमारी असम राइफल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड तीसरी है हमारी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स. असम राइफल, इंडियन कोस्ट गार्ड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं. एंड ऑल ऑफ दीज आर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड दीज आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द गोल्फर हु विल बी इलेक्टेड इन द वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम एज पार्ट ऑफ द क्लास 2021. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इज इट टाइगर वुड्स, रॉरी मैकलॉय, फिल मिकेलसन, लेब्रॉन जेम्स? यस द राइट आंसर इज टाइगर वुड. बहुत ही फेमस प्लेयर गोल्फर हैं ये अमेरिका से. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो फेमस गोल्फर हैं इंडियन गोल्फर दैट इज एन अनिर्बेन लहरी. दूसरा बड़ा फेमस नाम है ज्योति रंधावा. ये हमारे इंडियन गोल्फर्स हैं, बड़े फेमस नाम हैं. और बहुत फेमस नाम है जीव मिल्खा सिंह. कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये कौन से गेम से बिलोंग करते हैं, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए. अनिर्बेन लहरी, ज्योति रंधावा, जीव मिल्खा सिंह, गगनजीत भुल्लर, ये भी बड़ा ही फेमस नाम है गोल्फ से जुड़ा हुआ. नाउ कई बार वो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड टर्म भी पूछ लेते हैं, तो इससे रिलेटेड जो टर्म है एक टी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है. टी एक बूगी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है. टी काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुकी है. टी इज़ द टर्म बिलोंग्स टू
Now we are moving to the next one. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप जानते हो अभी COVID-19 को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको भी पेंडेमिक डिक्लेयर किया है. विच डिसीज वॉज प्रीवियसली डिक्लेयर्ड एज पेंडेमिक बाई WHO? इज इट स्वाइन फ्लू, HIV, H1N1 इन्फ्लुएंजा और स्पेनिश फ्लू? यस, 2009 में एक हमारी डिसीज थी जिसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया था WHO ने. यस, राइट आंसर इज H1N1. अब कई बार वो ये भी पूछ सकते हैं कि WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है. एज वी ऑल नो दैट इज इन जेनेवा. नाउ दे ऑल्सो कैन आस्क हु इज़ एन डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, दैट इज एन एड्रॉस Tedros Adhanom is in Director General of WHO. So sometimes they ask to headquarters, sometimes they ask Director General about. Now we are moving to the next question. Is which Indian cueist was a runner up? ये हम use करते हैं snooker player के लिए. सिक्स रेड स्नूकर चैम्पियनशिप एट विच पंकज आडवाणी वन हिज 34th नेशनल टाइटल. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पंकज आडवाणी ने हमारा 34th नेशनल टाइटल जीत लिया है इसके जीतने के बाद. तो कौन सा जो रनर अप था इसमें, ईशप्रीत सिंह था, आदित्य मेहता या बलबीर सिंह या मनप्रीत सिंह? यस, द राइट आंसर इज वी आर हैविंग ईशप्रीत सिंह. आंसर है इसका ईशप्रीत सिंह है. अब स्नूकर या बिलियर्ड से जुड़े हुए और बड़े फेमस नाम हैं हमारे पास इंडिया के अंदर. पंकज आडवाणी तो बहुत ही फेमस नाम है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं वो कौन से गेम से बिलोंग करते हैं स्नूकर से. इस तरह स्नूकर से जुड़े हुए और भी फेमस नाम है, दैट इज़ एन विद्या पिल्लई, बड़ा ही फेमस नाम है. एंड दूसरा नाम है आदित्य मेहता, दूसरा नाम है हमारा आदित्य मेहता, ये भी हमारा बड़ा ही फेमस नाम है. किससे जुड़ा हुआ आपका, स्नूकर से जुड़ा हुआ, ये स्नूकर प्लेयर है. इससे पहले हमने गोल्फर डिस्कस किए थे तो हमें ये पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन. विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्रल रेलवे स्टेशन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर नाना शंकर सेठ इन मार्च 2020? इज इट तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन, इज इट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, इज इट मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और इज इट मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन? यस, द राइट आंसर इज मुंबई. आप जानते हैं नाना शंकर सेठ ये मुंबई के बहुत ही फेमस बिजनेसमैन भी रह चुके हैं, बहुत ही फेमस बिजनेस मैन भी रह चुके हैं. एंड इसके अलावा जो हमारी पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में बॉम्बे से थाने, बॉम्बे से थाने, उसके अंदर भी जो नाना शंकर शंकर सेठ थे वो उन्होंने 45 मिनट्स का जो सफ़र था वो तय किया था. एक यादगार पलों में इनका भी नाम शामिल था, नाना शंकर सेठ. रेलवे में भी इनका काफ़ी योगदान था, रेलवे इंडस्ट्री के अंदर हमारा जो है नाना शंकर सेठ का. और जो पहली रेल चलाई गई थी मैंने जैसे कि बताया बॉम्बे से थाने, जो कि 45 मिनट का एक सफ़र तय किया गया था, उसमें नाना शंकर सेठ भी आपके जो थे उस टाइम पर उस ट्रेन में हिस्टोरिकल पलों को जीने के लिए विद्यमान थे. एंड अगर हम इस ईयर की बात करें तो आप जानते ही हो कि 18 कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि SSC या क्लैट GU JET की हमारी पहली रेलवे ट्रेन कब से कहाँ तक चलाई गई थी, बॉम्बे से थाने तक चलाई गई थी 1853 में. और ये भी पूछ लिया जाता है कि उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी. डलहौजी जो थे वो 1848 से लेकर 56 तक हमारे गवर्नर जनरल रहे. डलहौजी के टाइम पर तीन काम हुए थे, रेलवे का चलना, टेलीग्राफ एंड पोस्ट ऑफिस.
तीन काम जो थे बड़े फेमस काम थे जो कि डलहौजी के टाइम पर हुए थे. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन. नेम द इंडियन स्टेट विच इज़ गोइंग टू बिल्ड 33 न्यू स्टेडियम्स अक्रॉस द स्टेट अंडर उत्तरन स्कीम. तो 33 नए स्टेडियम बनाने जा रहे हैं. कौन से स्टेट इज इट? गोवा, मध्य प्रदेश, यूपी और असम. यस, द राइट आंसर इज असम. बहुत ही बढ़िया. अब इसमें अगर आप को एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताऊं जो कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, मोटेरा स्टेडियम अभी एक न्यूज़ में था. ये पहली बात तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि मोटेरा स्टेडियम हमारा जो है 24 फरवरी 2020 को इसको इनोग्रेट किया था पीएम मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इसको इनोग्रेट किया था. और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेडियम. दिस इज़ एन having in capacity of 1.10 lakh people. People can sit in the Motera Stadium. अब कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये है कहाँ पर. दैट इज़ इन अहमदाबाद में ये हमारा स्टेडियम है. मोटेरा स्टेडियम ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है. Now the next question is, as per the government of India data, the amount spent under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in 17 to 20 years, is it 1.83 lakh crore, 1.56 lakh crore, 1.74 lakh crore, 1.69 lakh crore? Yes, the right answer is 1.83 lakh crore. अब तक हमारा एम नरेगा के ऊपर 2017 से लेकर 20 तक इतना पैसा खर्च किया गया है. अभी यूएनओ ने इस स्कीम को अवार्ड से भी नवाजा है. ये भी क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम के अंदर हमारा. एम नरेगा की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमने ध्यान देना है. दिस इज़ एन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ये स्कीम हमारी 2005 में शुरू हुई थी, ये पूछा जा सकता है. एनेक्टेड ऑन अगस्त 25, 2005. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगस्त 25, 2005 को ये स्कीम अनेक्ट हुई थी. एंड इट प्रोवाइड्स लीगल गारंटी ऑफ 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट. रूरल एरिया के अंदर 100 days की लीगल आपका जो एम्प्लॉयमेंट की लीगल गारंटी प्रोवाइड करता है ये प्रोग्राम. इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, कब अनेक्ट हुआ था ये भी पूछा जा सकता है. पहले इसको हम नरेगा के नाम से जानते थे. महात्मा गांधी इनके आपका जो है 2007 में इनके इसका नाम चेंज करके इसके साथ महात्मा गांधी ऐड कर दिया गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विंग्स इंडिया 2020 एन इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन द थीम फ्लाइंग फॉर ऑल हेल्ड एट विच इंडियन सिटी. इज इट इन बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, पुणे और हैदराबाद? यस, द राइट आंसर इज हैदराबाद. बिल्कुल ठीक, हैदराबाद इसका आंसर है हमारा. हैदराबाद जो कि किसकी कैपिटल है? हमारी तेलंगाना की कैपिटल है. और ये किसके ऊपर फ्लाइंग फॉर ऑल एग्जीबिशन इसकी क्या थी, थीम थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर किसकी थीम क्या थी फ्लाइंग फॉर ऑल. कहाँ पर एंड हुआ? हैदराबाद में. तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद. तेलंगाना के जो सीएम है वो कौन है? चंद्रशेखर राव. एंड जो एविएशन से रिलेटेड है ये हमारा विंग्स इंडिया 2020. सो एयर चीफ तो हमें मालूम ही है, हम पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज़ एन राकेश कुमार सिंह बाडूरिया. ये हमारे कौन है? आपके एयर चीफ हैं. एंड हमारे नेवी चीफ तो हमें पता ही है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, करमवीर सिंह.
एंड हमारे आर्मी चीफ अभी हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किए हैं अपने, दैट इज मनोज मुकुंद नरवणे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द टीम विच हैज़ वन द रणजी ट्रॉफी टाइटल फॉर द ईयर 2019 and 20। इज इट विदर्भ, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कर्नाटका? यस द राइट आंसर इज, बिल्कुल ठीक, सौराष्ट्र। द अब रणजी ट्रॉफी जैसे कि हम बहुत बार क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं किससे बिलोंग करते हैं, हमारी क्रिकेट से। एंड मोस्ट सक्सेसफुल चैम्पियन रणजी ट्रॉफी का अब तक कौन रह चुका है? मुंबई। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सौराष्ट्र ने जो ये टाइटल जीता है वो बंगाल को हरा कर जीता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार ये टाइटल किसने जीता है? आपका मुंबई ने, 41 times, दैट इज़ अन रिकॉर्डेबल। नाउ वी आर मूविंग, अगर हम बात करें सौराष्ट्र की, सौराष्ट्र इज अंडर गुजरात, गुजरात में ही है हमारा सौराष्ट्र, उसी की गुजरात की टीम है ये हमारी। तो इस बार ये इनका पहला मेडल था जो आपका जो है पहली ट्रॉफी थी रणजी ट्रॉफी जो कि सौराष्ट्र के नाम पर हुई है, और सबसे ज़्यादा टाइटल ये जीता है मुंबई ने 41 times। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज़ एन फूल दी फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? इज इट इन असम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मणिपुर? यस जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें वैसे याद ना रहे तो वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है हमारा, हम काफ़ी बार क्लास में डिस्कस करते थे। वैली ऑफ फ्लावर बहुत ही फेमस नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क है हमारा बड़ा फेमस, कहाँ पर है वो? उत्तराखंड में। तो इसका आंसर भी क्या है? उत्तराखंड। एंड एक और फेमस फेस्टिवल है चैत्र जत्रा फेस्टिवल, जो कि कहाँ का है हमारा? ओडिशा का फेस्टिवल है। उत्तराखंड के सीएम तो हम कर ही चुके हैं पहले, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये हम पहले कर ही चुके हैं। एंड इसके जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। मणिपुर के जो सीएम है, दैट इज़ एन जो हमारे मणिपुर के जो सीएम है वो है हमारे बीरेन सिंह, जैसे कि हमें पता ही है, पहले वाली क्लासेस में हम कर चुके हैं। एंड जो असम के सीएम है वो है हमारे, मैंने काफ़ी बार बताया था आपको लर्न कराने के लिए, आसान सवाल सर्बानंदा सोनोवाल, इस तरह से हमने लर्न किया था सर्बानंदा सोनोवाल। एंड जो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, दैट इज़ एन भूपेश बघेल। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा पावर? इज इट ऋषभ पंत, के एल राहुल, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर? नाउ द नेक्स्ट द आंसर, राइट आंसर इज यस शार्दुल ठाकुर। हम पहले भी इस ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे प्यूमा की करीना कपूर, हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं उसको। एंड IDFC के जो करंट ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं हमारे अमिताभ बच्चन, द लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन। एंड जो हमारे प्यूमा IDFC के अलावा, इससे पहले हमने रियल मी के किए, कौन से किए थे? सलमान खान। तो ये हमारे फेमस ब्रांड एम्बेसडर है, ये बहुत ही आफ्टर 12 जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं खासकर उनके लिए ये ब्रांड एम्बेसडर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आफ्टर 12th एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, काफ़ी बार, सो मेनी टाइम्स से पूछे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, PM मोदी हैज़ प्रपोज द क्रिएशन ऑफ COVID-19 एमरजेंसी फंड इन SAARC रीजन ड्यूरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस मीट ऑफ SAARC रिप्रेजेंटेटिव, ऑल्सो इंडिया हैज़ ऑफर्ड, कितने का फंड इंडिया ने ऑफर किया है? इज इट ऑफ 100 million, 5 million, 10 million और 50 million? यस द राइट आंसर इज़
10 मिलियन का फंड इंडिया ने ऑफर किया है इसके लिए। अब इसके सार के जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये भी पूछे जा सकते हैं, इसाला रुवान आपका जो है इसाला जो है हमारे इसाला रुवान विक्रोकून नाउ जैसा कि मैंने बताया है कि सार्क का हेडक्वार्टर तो हमें पता ही है, दैट इज़ इन काठमांडू। सार्क वाज नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द इंडियन स्टेट गवर्नमेंट विच अनाउंस द चीफ मिनिस्टर्स अखानबा सनोराई सिंगी तेंग एंड आर्टिस्ट। Is it of Meghalaya, Arunachal Pradesh, Manipur or Assam? Yes, the right answer is Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh ke Arunachal Pradesh ke jo CM hai wo hum pehle discuss kar chuke hain and Arunachal Pradesh ke bare mein aapko jo iske bare mein jo question aur aata hai exam ke andar वो इसके नेशनल पार्क्स के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इसका एक नेशनल पार्क के पक्के ये काफ़ी बार पेपर में आ चुका है पक्के। एंड इसके अलावा जो है पक्के के अलावा हमारा जो है मैंने आपको लर्न करवाया हुआ है कि आचल ने अरुण नाम के बच्चे को पक्की मूली बांधी एंड उसको फिर कहा क्या कहा दफ़ा हो जा नाम दफ़ा नेशनल पार्क पक्के नेशनल पार्क नाम दफा नेशनल पार्क दैट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड इसके अलावा मोलिंग भी है। इस मणिपुर के अंदर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है हमारा किबू लेम जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है किबू लेम जाओ। ये हमारा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, इसके बारे में क्वेश्चन ये भी आता है किबू नेशनल के किबू लेम जाओ के बारे में कि ये कौन सी लेक के ऊपर है, लॉकटक लेक के ऊपर। सो मैनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। नाउ आसाम के बारे में तो हम जानते ही हैं, काजीरंगा मानस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कहाँ के, आसाम के। और बाकी तो हमने मोर देन 150 की लिस्ट लर्न कर रखी है मेमोरी टेक्निक से अपनी क्लासेस के अंदर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। इंडियन जर्नलिस्ट अरफा खानम शेरावानी रोहिणी मोहन जॉइंटली वन द चमेली देवी जैन अवार्ड 2019 फॉर आउटस्टैंडिंग वीमेन मीडिया पर्सन। द अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द देवी जैन फाउंडेशन, वीमेन फाउंडेशन, मीडिया फाउंडेशन और अवार्ड फाउंडेशन। यस द राइट आंसर इज Women Foundation. Yes, Women Foundation. Sorry, Media Foundation. Sorry, Chameli Devi Jain से Women ध्यान में आ गया मुझे and Women Media Persons आएंगे। Media Foundation is the right answer. And जो हमारा journalism में एक बहुत important award है वो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है आपके exam में, काफ़ी बार paper में आता है ये। बच्चे पुलित्जर और प्रिट्जर में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक हमारा प्राइज है पुलित्जर प्राइज है हमारा, ये हमारा जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ है, ये 1917 से दिया जा रहा है। ये जर्नलिज्म का बहुत इम्पोर्टेंट अवार्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि पुलित्जर अवार्ड इज बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, दिस बिलोंग्स टू जर्नलिज्म, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं पुलित्जर एंड प्रिट्ज़कर में, एक अवार्ड है हमारा प्रिट्ज़कर अवार्ड जो है ये हमारा आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है, बहुत ही फेमस प्राइज है ये प्रिट्ज़कर एंड पुलित्जर, ये 1979 से दिया जा रहा है।
समटाइम दे आस्क जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ प्राइज कौन सा है, पुलित्ज़र है, ऑप्शन में अवार्ड आ सकते हैं, पुलित्ज़र है, प्रिट्ज़कर है, दोनों और नाम दे देंगे। तो पुलित्ज़र भी जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ बहुत ही फेमस प्राइज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर के सिंह पावर न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है, एक्चुअली मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज पावर न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी लॉन्च द न्यू वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री एंड न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी द वेबसाइट हैज़ द एडिशनल पोर्टल्स ऑफ इंडिया रीन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज एंड इज इट नो क्यू सिक्योर सरल और अक्षय ऊर्जा। यस द राइट आंसर इज अक्षय ऊर्जा। अब इसमें एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे कि हमारे कौन से मिनिस्टर हैं, आर के सिंह दैट इज़ एन पावर न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है, ये अभी नई मिनिस्ट्री लॉन्च हुई थी पावर न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। अब अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आर्टिकल जो है हमारा, हमने इंडियन पॉलिटी में काफ़ी बार डिस्कस किया है, दैट इज़ एन आर्टिकल 74 एंड 75। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आते हैं हमारे, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं हमारे, और कौन आते हैं हमारे, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं जो भी, ये भी हमारा काउंसिल ऑफ आपका जो है कैबिनेट का ही पार्ट होता है, मतलब सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट होता है। और एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज ये भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होते हैं। तो इन तीनों को अगर हम मिला दें तो हमारे ये सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। तो ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, कौन, आर के सिंह, जो कि कौन है हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हु वन सिंगल्स टाइटल इन द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंजर प्लस ओमान ओपन, इज इट शरद कमल, एंथनी अमल राज, मऊमा दास, साथियन गणनशेखरन। तो हमारा जो आंसर है दैट इज़ एन शरत कमल। एंड ये जो नाम है ये सारे बड़े ही फेमस नाम है टेबल टेनिस से जुड़े हुए, टेबल टेनिस से जुड़ी हुई मैंने आपको ट्रॉफीज भी काफ़ी बार लर्न करवाई हैं, मैंने आपको इस तरीके से लर्न करवाया था कि लक्ष्मी माता की फ़ोटो हम कहाँ पर रखते हैं, आपकी टेबल पे रखते हैं। अगर लक्ष्मी माता की फ़ोटो टेबल पे रखते हैं, और लक्ष्मी कैसे मिलती है, बाय लक के लिए मिलती है, बरना नहीं मिलती, तो बरना बाय लक कप, ये भी हमारा फेमस कप है, किससे जुड़ा हुआ, टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ। तो कई बार ये पूछ लेते हैं आपसे एग्ज़ाम के अंदर कि ये जो है टेबल टेनिस से जुड़े हुए कप कौन से हैं, ऑप्शन में आता है तो जयलक्ष्मी कप और बरना बैलक कप, बड़ा ही फेमस कप है इससे जुड़ा हुआ। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज वन द मैन सिंगल्स टाइटल इन 112th एडिशन ऑफ ऑल इंग्लैंड ओपन 2020 बैडमिंटन टूर्नामेंट, इज इट यूटा वाटानबे, विक्टर एकल्सन, हिरोयुकी एंडोर, चू टिन चैन। येस द राइट आंसर इज़ विक्टर एकल्सन, कहाँ से बिलोंग करते हैं, डेनमार्क से। काफ़ी बार पूछ लेते हैं आपसे एग्ज़ाम के अंदर कि इन्होंने मैन सिंगल्स टाइटल जीता है बैडमिंटन के अंदर, बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो आंसर इज़ डेनमार्क। एंड वीमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है, टू ताई जू यिंग, ये भी बड़ा फेमस नाम है, चाइनीज ताइपाई, चाइना से बिलोंग करती हैं ये वीमेन्स ताई जू यिंग। एंड विक्टर एकल्सन ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, डेनमार्क से, जिन्होंने मैन सिंगल्स जीता है हमारा। नाउ बैडमिंटन से जुड़ी ट्रॉफी मैंने आपको पहले ही बताई थी, थॉमस कप है हमारा, उबेर कप है हमारा, सुधीरमन कप है हमारा, बैडमिंटन से जुड़ी हुई ट्रॉफीज आई हमारी सारी। एंड इसके अलावा जो है कनिका कप है हमारा, एंड चड्डा कप है हमारा, मैंने आपको लर्न करवाया था कि थॉमस सबके लिए बेर तोड़ रहा था पेड़ पर चढ़कर, कनिका सोफिया और अमृत के लिए मैंने कहा था कि जितने भी स्पेशल नेम्स हैं दैट बिलोंग्स टू हॉकी, कॉमन नेम्स बिलोंग्स टू क्रिकेट, एंड जो ना स्पेशल है ना कॉमन है दैट बिलोंग्स टू बैडमिंटन, वी हैव लर्न थ्रू मेमोरी टेक्निक।
Now the next question is, name the person who authored the book titled An Extraordinary Life, a biography of Manohar Parrikar, which is going to be published as जैसे कि हम by Penguin Random House India in April 2020. जैसे कि हम जानते हैं मनोहर पारिकर पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, former डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और इसके अलावा जो हमारे मनोहर पारिकर हैं ये हमारे CM भी रह चुके हैं गोवा के. तो इनके ऊपर जो बायोग्राफी लिखी गई है वो किसने लिखी है, सदगुरु पाटिल, माया भूषण नागवेंकर, शशि थरूर और बोथ वन एंड टू. यस द राइट आंसर इज बोथ वन एंड टू, सदगुरु पाटिल एंड माया भूषण नागवेंकर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ल्ड कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन मार्च 15. What is the theme of World Consumer Day? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में आता है. पहली बात तो ये कि कब मनाया जाता है, और दूसरा थीम इज ए ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स मेकिंग डिजिटल मार्केट प्लेसेस फेयरर, बिल्डिंग अ डिजिटल वर्ल्ड कंज्यूमर्स कैन ट्रस्ट और द सस्टेनेबल कंज्यूमर. यस बिल्कुल ठीक, द राइट आंसर इज सस्टेनेबल कंज्यूमर. बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा. इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड अटेंडेड द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान. मुजीबुर रहमान वाज फाउंडिंग फादर ऑफ विच कंट्री, इज इट ऑफ पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान. यस द राइट आंसर इज बांग्लादेश. बांग्लादेश की कैपिटल तो हम जानते ही हैं क्या है, हमारी ढाका, और इसकी करेंसी क्या है, टका. Taka is an cheapest currency that is of Bangladesh. Okay, Myanmar में कौन सा currency चलता है, क्यात. मैंने learn भी कराया था क्या मैंने मारोगे, क्यात. क्यात is an currency of Myanmar. पाकिस्तान में हमारा रुपया चलता है इंडिया की तरह, एंड अफगानिस्तान में हमने previous class में किया भी था, अफगानी चलता है. ठीक है, now the next question is, central government has approved to rename Amin village as अभिमन्यपुर. द आमिर विलेज इज अ पार्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट, इज ऑफ बिहार, असम, ओडिशा और हरियाणा. यस द राइट आंसर इज ऑफ हरियाणा. और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये, कुरुक्षेत्र, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं. हरियाणा जैसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन हरियाणा जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कुरुक्षेत्र को हम पहले क्या कहते थे, थानेसर के नाम से जानते थे. किसके नाम से जानते थे, थानेसर. थानेसर कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है, जहाँ पर जो कि किसकी कैपिटल थी, हमारी हर्षवर्धने की कैपिटल थी, जिसके टाइम का फेमस पोएट कौन था, बाण भट्ट. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑन मार्च 16, 2020, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड हृदेश कुमार एज न्यू चीफ इलेक्टर ऑफिसर टू विच इंडियन स्टेट, इज इट न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, ओडिशा. यस बिल्कुल ठीक, द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हमारी नई यूटी बनी है. अभी कब बनी है, 31st October 2019, मैंने आपको बताया भी था, दो नई यूटी बनाई गई है हमारी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. एंड गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है इसके, गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे इसके गवर्नर हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको बहुत सारी क्लासेस में. और हमारे इलेक्शन कमिश्नर, अब इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम में आता है, खासकर SSC, CDS, बैंक, रेलवे भी काफ़ी बार पूछा गया है. इसका आर्टिकल क्या है, हमारा आर्टिकल जो इलेक्शन कमीशन का है 324. इलेक्शन कमीशन इज इन 3-member body, जिसमें एक इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 additional इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. एंड इलेक्शन कमिश्नर हमारे इस टाइम पे कौन है, दैट इज एन इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन है, दैट इज एन सुनील अरोड़ा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द टीम which has won the Hero League champion title for the year 2019-20. Is it Real Kashmir, Mohan Bagan, Chennai City or East Bengal? Yes, बहुत ही famous नाम है ये, football से जुड़ा हुआ, Hero League, ये football का title है.
एंड इस बार के जो विनर है दैट इज़ इन मोहन बगान, ये कोलकाता से बहुत ही फेमस आपकी जो है ये टीम है, मोहन बगान। काफ़ी बार इन्होंने टाइटल जीता है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि लीग किससे बिलोंग करती है, मोहन बगान किससे, आपका जो है फुटबॉल से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्लूडेड कोनार्क सन टेम्पल एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोनार्क सन टेम्पल एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन द आइकॉनिक टूरिज्म साइट्स लिस्ट, वेयर डज कोनार्क सन टेम्पल एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोकेटेड एट। हमने काफ़ी सारी क्लासेस में इसको डिस्कस किया, जैसे बिहार, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात और पंजाब, हरियाणा। येस, राइट आंसर इज़ ओडिशा। कोनार्क टेम्पल हमारा कहाँ पर है, आपका ओडिशा में, एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दैट इज़ इन गुजरात। बिल्कुल सही जवाब। अब इसमें अगर हम बात करें कोनार्क सन टेम्पल, इसको हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं ब्लैक पगोड़ा। जैसे जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी, इसको हम वाइट पगोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वाइट पगोड़ा। एंड ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, कोनार्क टेम्पल कहाँ पर है हमारा ओडिशा में, और इसको और किस नाम से जानते हैं, ब्लैक पगोड़ा के नाम पर। पगोड़ा स्टैंड्स फॉर रिलीजियस प्लेस, और यू कैन से टेम्पल। ओके, नाउ वी आर, अभी अगर इस तरह की प्रेजेंटेशन और भी अगर आपको चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो आफ्टर 12th हो, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, या और भी कोई भी एंड अदर, या चाहे क्लैट हो या अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, सभी में हमारा जो है ये आपका जो है करंट अफेयर्स आता है। अगर इस तरह की स्लाइड्स चाहिए तो ये जो हमारा सेंटर है, बजाज कोचिंग सेंटर, दैट इज़ लोकेटेड इन DLF कॉलोनी, और अगर आपको इस तरह की स्लाइड्स चाहिए तो प्लीज़ व्हाट्सएप ऑन 9034064864, इस तरह से इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड आगे भी हम इस तरह की क्लासेस आपका जो है कंटिन्यू रखेंगे। एंड अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। ओके, टिल देन, बाय।